मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने यही कहा मैं आया हूँ तो आप समझे, आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बेकारी को कौन पूछता है? यही तो हमारा कहना है, भिखारी को कौन पूछता है। अब जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो ये कश्मीर के नाम पर हल्ला किस बात का? हमारा जो कश्मीर के अवाम के साथ ताल्लुक है ये तो नस्लों का साथ है। अच्छा, और उधर पीओके में इन पोरकियों ने नस्लों का साथ वाली कश्मीरी आवाम की क्या हालत की हुई है? खाना हमें उस वक्त मिलता है जब देखते हैं कहीं दौड़ के जाते हैं लाइन में लगते हैं खाना ले जाते हैं, बिरयानी उस वक्त मिलती है जब कोई आदमी मर जाता है फिर दुआ करते हैं या अल्लाह जब बिरयानी मिलेगी। लेकिन पीओके में रह रही कश्मीरी आवाम की यह हालत करने के बावजूद भी बंदों को भारतीय कश्मीर चाहिए, उसको आजाद कराना है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के आवाम अपने आजादी हासिल करेंगे। मतलब खुद के मुल्क में पाकिस्तान के आजादी के नारे लगते फिरते हैं, हम चीन के लेंगे, आजादी, हम चीन के लेंगे, आजादी, और ये कश्मीर को आजाद कराएंगे, जबकि इन पोरकियों की औकात, ये जरा सुने, जिस देश को कोई भीख नहीं देता वो कश्मीर लेने की बात करता है। वो देश है, वो देश है, जो देश बिना भीख मांगे एक दिन नहीं चल सकता। वो देश है, वो देश है, जिस देश में प्रधानमंत्री सिर्फ भीख मांगने के लिए बनाया जाता है। वो देश है, वो देश है, जिस देश को आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है। वो देश है, वो देश है, जिस देश की T20 बॉयकॉट कराने की औकात नहीं वो G20 बॉयकॉट कराने की बात करता है। वो देश है, वो देश है, मजा आया भाई। लोग जब से भारत में G20 समिट शुरू हुआ है पोरकियों ने ऐसा हल्ला मचाया हुआ है मानो कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में ही फट जाएंगे। हर तरफ भारत के खिलाफ दुष्प्रचार, मकबूसा कश्मीर में मुतनासा G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कश्मीरी सड़कों पर निकला है। और उधर सड़कों पर निकलने वाले कश्मीरी लोग, हमें अभी से सूरत लग रही है, हम चाहते हैं ये मीटिंग वगैरह हो जाए क्योंकि ये हमारे कश्मीर के लिए अच्छा है। इट इज वेल गुड स्टेप टू ऑर्गेनाइज G20 इन आवर कश्मीर। भाई कश्मीरियों ने पोरकियों को थप्पड़ की तरह जवाब दिया। कश्मीरी लोग न सिर्फ G20 के समर्थन में आए बल्कि सड़कों पर आकर जश्न भी मनाया, जिसे देखकर पोरकी, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जबकि इसी कश्मीर के खिलाफ बंदे कहते फिर रहे थे, मोदी सरकार हठधर्मी से बास ना आई, इजलास के 22 कश्मीर को जेल बना दिया गया। और जो तुमने अपने पूरे मुल्क को कब्रिस्तान बनाया हुआ है उसका क्या? अब बोल। मतलब इमरान समर्थकों को जबरदस्ती जेल में ठूसा जा रहा है, पाक पुलिस की जगह सड़कों पर फौज लगाते फिर रहे हैं, यहाँ तक कि इमरान खान पार्टी के मंत्रियों की रिहाई के बाद भी, शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहाई के फौरन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बंदे अपने मुल्क की हालत नहीं देखेंगे, बकचोदी पेलेंगे तो किस पर? मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास से पहले सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही। मतलब भाई इन पोरकियों का लॉजिक देखो, अगर दूसरे देशों के नेता प्रतिनिधि भारत में G20 मीटिंग अटेंड करने आएंगे तो भारत उनको सिक्योरिटी भी नहीं दे सकता, और उधर पाकिस्तान में अगर कोई टुच्ची सी क्रिकेट टीम भी आ जाए तो पोरकी उसे प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देते फिरते हैं। अबे सालों कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर बकचोदी पेलने से अच्छा अपने चैनल को सिक्योरिटी दी होती तो ये दिन देखना ना पड़ता। बोल न्यूज फैमिली के मजीद 2 मेंबर्स को अगवा कर लिया गया है। खत्म। अब समझे सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। अरे क्या करूं? भाई लोग 4-5 देश G20 मीटिंग अटेंड करने क्या नहीं आए, पोरकियों को लगा G20 मीटिंग ही रुक जाएगी, पोरकी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए। कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस रोकी जाए, और जब पोरकी G20 मीटिंग रोकने में नाकामयाब रहे तो बंदों का कहना था, एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत कुछ हासिल नहीं कर सकता। भाई इसे कहते हैं सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अबे जब भारत कुछ हासिल नहीं कर सकता तो ये G20 के विरोध में पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक प्रदर्शन किस बात का? G20 ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो इस G20 कॉन्फ्रेंस का चाइना की तरफ बायकॉट करें। अच्छा, कश्मीर में इंडिया की तरफ से जो G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस की जा रही है, हम कश्मीरी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसके लिए सरापा एहतजाज है। ठीक है, कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। ले, सुना क्या? हाँ, इंडिया का हिस्सा नहीं है, तेरे बाप का हिस्सा है। अरे बाप तो इनका इंडिया ही है। माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। इंग्लैंड का तो इन पोरकियों ने वो हाल बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में जरा भी कुछ हो जाए बंदे इंग्लैंड में हाल प्रदर्शन करने लग जाते हैं। जिन्ना हाउस समेत पाक आर्मी पर हमले पाकिस्तान में हुए और बंदे प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है। यूके में रहने वाली उसकी एजेंसी, हम इसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार पाकिस्तान में किया गया और बंदे प्रदर्शन कहाँ कर रहे हैं। यही डिमांड अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से रहेगी,
के फौरन से फौरन इस मामले में जो इंटरवीन करके और पाकिस्तान में इमरान खान को रिलीज करवाया जाए। खान साहब को अरेस्ट करके उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की रेड लाइन को क्रॉस किया। खुदा का वास्ता अवाम को मजबूर मत करे कि वो कानून हाथ में ले। और उधर पोरकियों की बकचोदी सुनने के बाद इंग्लैंड की पुलिस, ये तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। मतलब भाई सारे के सारे ड्रामे चल पाकिस्तान में रहे हैं और बंदे तबाही मचाने कहां निकल आते हैं इंग्लैंड में, और इन बंदों का चुतियापा। कभी यही बंदे इंग्लैंड में कश्मीर की आजादी के नारे लगाते फिरते हैं, तो कभी यही बंदे उसी इंग्लैंड में पाकिस्तान की आजादी के। और उधर कभी कश्मीर कभी पाकिस्तान की आजादी के नारे लगता देख ब्रिटिश सरकार। देखो बाबा तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। अब भाई पोरकियों को खुद पता हो तो समस्या बताएं भी। पोरकियों को खुद ही नहीं पता कि इनकी समस्या क्या है। भाई इन पोरकियों का क्या है, कोई देश पाकिस्तान को भीख देने से मना कर दे तो मोदी सरकार रुकावट है। पाकिस्तान में कोई क्रिकेट टीम खेलने ना जाना चाहे तो मोदी सरकार वो रुकावट है। मतलब पाकिस्तान में कुछ भी हो मोदी जी के खिलाफ ही भौंकेंगे। जबकि इन भिखारियों और मोदी जी में अंतर, अमेरिकन पीएम मोदी जी से ऑटोग्राफ मांगते हैं, पापुआ न्यू गिनी के पीएम मोदी जी के पैर छूते हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन पीएम तो मोदी जी को बॉस तक कह देते हैं। जबकि ये पोरकी जब दूसरे देशों के नेताओं से मिलते हैं तो वो पोरकियों से क्या कहते हैं, क्या रे भिख मंगिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।